जय हिंद। आइए जानते हैं अपने देश के नेशनल सिंबल्स के बारे में। हमारे देश के राष्ट्रीय प्रतीक हमारी विरासत और हमारा राष्ट्रीय गौरव है। हम भारत के दुनिया के कोने कोने तक बसे हुए हैं और ये देश विदेश में हर जगह हमारे समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं, जिसमें हम सब भारतीय गौरवान्वित महसूस करते हैं, क्योंकि ये हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं। हर भारतीय को इनका बलिवंती ज्ञान होना अनिवार्य है। सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज, जिसे हम तिरंगा भी कहते हैं, इसे पिंगाली वेंकैया जी ने डिजाइन किया था और 22 जुलाई 1947 को इसे अपनाया गया। इसे इंग्लिश में ट्राई कलर भी कहते हैं। सबसे ऊपर केसरी रंग देश के फ्रीडम फाइटर्स की जो सैक्रिफिकेशंस देश को आज़ादी हासिल करने में उन्होंने अपना योगदान दिया, उसको सिम्बलाइज करता है। सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है और हरा रंग देश की जो माटी है उसे उपजाऊपन और देश की खुशहाली का प्रतीक है। नंबर दो, राष्ट्रीय प्रतीक यानी हमारा राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ में अशोक चक्र से अपनाया गया है। ये हमारा राष्ट्रीय वाक्य, आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते यानी सत्य की सदा जीत होती है को रिप्रेजेंट करता है। नंबर तीन, राष्ट्रीय मुद्रा। राष्ट्रीय मुद्रा यानी नेशनल करेंसी भारतीय रुपया है, जिसे INR भी कहते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक इसकी निगरानी और संचालन करता है। उदय कुमार धर्मलिंगम जी ने भारतीय रुपये को डिजाइन किया। नंबर चार, नेशनल कैलेंडर। शक कैलेंडर भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। यह जॉर्जियन कैलेंडर से 78 वर्ष पीछे है, यानी 1922 में शक संबत 1944 चल रहा है। शक कैलेंडर देश के इतिहास को वर्णन करता है और भारत के स्वर्णिम काल का प्रतीक है। नंबर पांच, निष्ठा की शपथ यानी ओथ ऑफ एलिगेंस भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा निष्ठा की शपथ है। राष्ट्रीय प्रतिज्ञा देश में शांति, एकता और भाईचारे को बनाए रखती है। नंबर छह, नेशनल फ्रूट यानी आम। आम भारत का राष्ट्रीय फल है और सबसे लोकप्रिय फल भी है, जो कि ग्रीष्म काल में भारत में हर जगह तकरीबन पाया जाता है। नंबर सात, नेशनल एनिमल, राष्ट्रीय पशु, रॉयल बंगाल टाइगर हमारा राष्ट्रीय पशु है, क्योंकि ये पशु लुप्त प्राय है, इसलिए इसकी रक्षा हो सके इसलिए इसको नेशनल एनिमल के तौर पर अपनाया गया, जो कि 1963 को रॉयल बंगाल टाइगर को राष्ट्रीय पशु के रूप में अपनाया गया था। राष्ट्रीय पक्षी 8वें नंबर पर, मोर यानी पिकॉक भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ये एक निहायत ही खूबसूरत पक्षी है और 1963 में इसे भी राष्ट्रीय पक्षी के रूप में अपनाया गया। राष्ट्रीय गान जन गण मन, इसे श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी ने पहले बंगाली में लिखा था और बाद में इसका रूपांतरित यानी अनुवाद करके इसे हिंदी में लिखा गया। राष्ट्रीय गान के रूप में 24 जनवरी 1950 में इसे अपनाया गया। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था और इसे भी 1950 में विधानसभा द्वारा अपनाया गया।
ग्यारहवें नंबर पर राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का पेड़ भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, यानी बनियान ट्री। ये पेड़ हिंदू दर्शन में पवित्र है और भारत की एक मूल विरासत है। नंबर 13 नेशनल हेरिटेज एनिमल राष्ट्रीय विरासत पशु, भारतीय हाथी भारत का विरासत पशु है। हाथी क्योंकि ये विलुप्त ना हो जाए तो इसको इसका संज्ञान लेते हुए इसे राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया है। नंबर 14 नेशनल एक्वेटिक एनिमल यानी राष्ट्रीय जलीय जंतु, गंगा नदी की डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जंतु के रूप में अपनाया गया है, क्योंकि डॉल्फिन जंतु की संख्या में कमी आती जा रही है, इसलिए इसके ठीक से रक्षा हो सके इसे राष्ट्रीय जलीय जंतु के रूप में अपनाया गया है। गंगा नदी की डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जंतु के रूप में अपनाया गया। नंबर 15 राष्ट्रीय नदी गंगा, नदी हमारी राष्ट्रीय नदी है। 2008 में गंगा कार्य योजना में इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया 2008 में। नंबर 16 नेशनल फ्लावर कमल, हमारा नेशनल फ्लावर है लोटस फ्लावर, ये एक सुंदर फूल है और भारत में हर जगह पाया जाता है। और 17वें नंबर पर भारतीय खेल, राष्ट्रीय खेल में हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। अभी तक ओलंपिक्स में गेम में इंडिया को 8 गोल्ड मेडल मिले हैं, जो 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1964 और 1980 में ये स्वर्ण पदक भारत ने जीते। ये हमारे नेशनल सिंबल्स हैं, सभी को इनके बारे में जानना अति अनिवार्य है। दिस इज कर्नल बलवंत सिंह अगेन, जय हिंद।